उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज आजमगढ़ का दौरा करेंगे। सीएम अखिलेश यादव सुबह 11 बजे आजमगढ़ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर आजमगढ़ में तैयारियां जोरों पर है। पूरा प्रशासन व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को होली का तोहफा देंगे। वो आजमगढ़ के सठियाव में चीनी मिल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 38 योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। कुल 553 करोड़ की इन योजनाओं में सठियाव चीनी मिल, जिला कारागार, ट्रॉमा सेंटर, राजकीय बालिका विद्यालय जैसे मुख्य रूप से कई चीजें शामिल हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ से एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव सांसद हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है ये। और कैसे यहाँ पर एक भेंट की जा रही है चीनी मिल होली के तोहफे पर। वाराणसी से हमारे साथ इस वक्त अमित जुड़ चुके हैं। अमित, मुझे एक बात ये बताइए कि एक तरफ तो प्रदेश में गन्ना किसानों का इतना बकाया है, चीनी मिल पैसे नहीं दे पा रही है, और उसके बाद एक नई चीनी मिल की सौगात। देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल जरूर कि पहले से जो चीनी मिलें चल रही हैं उनकी हालत लगातार खस्ता हाल है, और यही वजह है कि वो किसानों को समय पर भुगतान नहीं कर पाती हैं। इसके साथ और भी कई चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो चीनी मिल है इसकी लंबे समय से मांग रही थी श्वेता, और पूर्वांचल के इस हिस्से में आजमगढ़ बनारस इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण इसका है। 333 करोड़ की लागत से इस चीनी मिल का आज लोकार्पण करेंगे सपा प्रमुख और आजमगढ़ से सांसद मुलायम सिंह यादव। इसके साथ ही करीब 38 अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण और उद्घाटन होगा। 533 करोड़ की लागत से ये तमाम परियोजनाएं हैं। तो एक बड़ी सौगात है होली के पहले पूर्वांचल के लोगों के लिए। जी चलिए अमित, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन प्रदेश में चीनी मिलों की जो स्थितियां हैं वो भी किसी से छिपी नहीं है। बकाया बाकी है किसानों का चीनी मिलों पर। कोर्ट ने भी आदेश दिया था बकाया भुगतान का, लेकिन अभी तक पूरी तरह से बकाया का भुगतान नहीं हो पाया। किसान पहले से ही परेशान है, गन्ने का जो समर्थन मूल्य है वो नहीं बढ़ पाया है। तमाम चीजें ऐसी हैं, और इसके बाद इससे एक बड़ी सौगात के तौर पर माना जा रहा है, और ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है इस मिल से किसानों की समस्याएं कुछ हद तक दूर हो पाए।